जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर हिट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाय शाय। आज चाय शाय में मैं बनाने जा रही हूँ सब्जियों से भरा वेजिटेबल सूप, जो कि विंटर्स में काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ, आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/2 टीस्पून बटर और इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। ये बटर हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, डालेंगे इसमें चॉप्ड किया हुआ अदरक, इसमें हम डालेंगे अब सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया है चॉप्ड प्याज, कैप्सिकम, गाजर, पत्ता गोभी। आप चाहो तो इसमें कुछ और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो एज पर योर टेस्ट। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटी कर लेते हैं। इन सब्जियों को हमने सॉटी कर लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, करीबन हमें 2 ग्लास पानी इसमें ऐड करना है। फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम करना है और इसको अब हम कवर कर देते हैं, 5 से 7 मिनट तक इसको हम पकने देते हैं। ये सब्जी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है, आप देख सकते हो इसका पानी भी जो है करीबन हाफ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉस, टमेटो सॉस, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस एंड 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम सोया सॉस और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। आप चाहो तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, इसको हम कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ये मैंने 1 चम्मच करीबन पानी लिया है और ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम इस सूप में ऐड कर देंगे। इसकी थिकनेस हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमें और गाढ़ा चाहिए तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हमारा वेजिटेबल सूप रेडी हो गया है। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन और इस सूप को अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी वेजिटेबल सूप।
आप चाहो तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हो। मेरा अचानक से मूड बन गया सूप बनाने का एंड मेरे पास कॉर्न अवेलेबल नहीं था, बट कॉर्न का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। घर पे ये सूप जरूर ट्राई कीजिएगा, विंटर्स का सीजन है, सब्जियाँ बहुत अवेलेबल है मार्केट में। और सूप आपको एंड आपके फैमिली को कैसा लगा, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आऊँगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।